बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक बार फिर धमकी मिली है। ये धमकी एक्ट्रेस को उनकी मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को लेकर मिल रही है। एक्ट्रेस को धमकी भरा एक वीडियो मैसेज मिला है। इस वीडियो मैसेज में सिखों का एक ग्रुप बैठा नजर आ रहा है। कंगना को धमकी देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब खुद एक्ट्रेस ने भी रिएक्ट कर दिया है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। वायरल वीडियो में एक सिखों का ग्रुप नजर आ रहा है। वीडियो में लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी ये पिक्चर रिलीज होती है तो सरदार आपको चप्पल से मारेंगे, थप्पड़ तो आप पहले ही खा चुकी हो। मुझे अपने देश पर भरोसा है, मैं एक प्राउड सिख हूँ और एक प्राउड मराठी भी। मुझे इतना पता है कि तुम्हें सिख ही नहीं, मराठी, क्रिश्चियन और हिंदू भी चप्पल से मारेंगे। हम सर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को ये धमकाने वाला वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल है। इस वीडियो को एक यूज़र ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि देश में क्या हो रहा है, लोग खुलेआम बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को धमका रहे हैं। लोग खुलेआम बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को धमका रहे हैं, जो कि सिर्फ फिल्म में केवल पास्ट में क्या हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। क्या आयरन लेडी की कहानी को पर्दे पर उतारना गलत है? तो इसी वीडियो पर रीट्वीट करते हुए कंगना ने भी डीजीपी महाराष्ट्र, हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस को टैग करके लिखा है कि आप देखिए इसे। आपको बता दें कि कंगना की इस फिल्म का लंबे टाइम से काफ़ी विरोध हो रहा है। स्पेशली सिख कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि यह फिल्म आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये एक प्रोपेगेंडा लग रहा है। कंगना की ये फिल्म एक्स-पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर बनी है, जो जल्द ही 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कंगना को मिल रहे इन धमकियों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फिल्मी बीट।